और ये खबरें आपको विस्तार से दिखाएंगे। मेरठ की बात सबसे पहले करेंगे, यहाँ से आज की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जिस पर एक बड़ा अपडेट आपको देंगे। 3 मंजिला मकान जो गिरा है उसमें मौत का आंकड़ा बढ़ गया है, 10 लोगों की मौत की पुष्टि कर दी गई है। सुबह तक ये आंकड़ा 7 था और कल तक ये आंकड़ा 6 था, लेकिन अब 10 लोगों की मौत की पुष्टि की गई है। 2 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, 15 लोगों को कुल मिला के निकाला गया है जिसमें 10 लोगों की मौत हो गई है, 5 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लेकिन इस समय भी पुलिस के साथ ही NDRF SDRF की जो टीमें हैं रेस्क्यू में जुटी हुई हैं। मौके पर डॉग स्क्वाड्स को भी बुलाया गया है। घटना ये लोहिया नगर थाना क्षेत्र के जाकिर कॉलोनी की है। बताया जा रहा है कि लगातार हो रही बारिश की वजह से ये मकान भरभरा कर गिर गया, जो कि 3 मंजिला था जिसमें कई लोग जो मकान गिरा मकान में शामिल थे, मकान में मौजूद थे। मकान में एनिमल हस्बेंड्री का भी काम होता था। हादसे में कुछ मवेशियों के भी दबे होने की सूचना मिली है, जो जानकारी मिल रही है। वहीं आपको बताएं कि इस हादसे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी संज्ञान ले लिया है और जल्द से जल्द राहत बचाव का कार्य करने के आदेश मुख्यमंत्री ने दिए हैं। बहरहाल ये 3 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। हमारे सहयोगी इस खबर पर और जानकारी के साथ जुड़ेंगे, जो इस समय की ताज़ा अपडेट्स आपको देंगे। लेकिन आप देखिए 3 तस्वीरें, मौत का आंकड़ा बढ़ गया है, 10 लोगों की मौत की पुष्टि की गई है। नहीं देखिए, जब ये रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट हुआ था कल, तो 15 लोगों की सूचना दी गई थी उनके रिलेटिव्स के द्वारा, जो उस घर में थे। 3 लोग उसी टाइम पे जब टूट रहा था तभी निकल गए थे, बाकी के लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था। तो अब तक पूरे जो उन्होंने नाम बताए सभी 15 लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन हो गया है। उसमें अब तक की जो डेथ टोल है वो 10 लोगों की है, 5 लोग अलाइव हैं। और वैसे तो उन्होंने जो नाम बोले थे वो सारे हम लोगों ने सब रेस्क्यू कर लिए हैं, बट फिर भी पूरा अभी तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलेगा जब तक हम लोग ये पूरा मलबा और हर एक डेब्रिस को वहाँ से हटाना लें। कोई भी गुंजाइश हम लोग नहीं छोड़ेंगे। इसमें जो 10 डेथ्स हुई हैं उसमें 1 पुरुष हैं, बाकी की सभी फीमेल्स हैं। और फीमेल्स भी 3 मतलब अबव 18 ईयर्स हैं, बाकी के सारे बच्चे हैं। सीधे रुख करेंगे निखिल अग्रवाल, हमारे साथ घटनास्थल से समय लाइव मौजूद हैं। निखिल, ये बहुत दुखद जानकारी है कि अब मौत का आंकड़ा 10 हो गया है, 15 लोगों को कुल निकाला गया है। आप इस समय की अपडेट दीजिए, NDRF SDRF का इस समय रेस्क्यू ऑपरेशन कितना तेजी से चल रहा है और क्या अब भी मलबे के नीचे कुछ लोग दबे हो सकते हैं, क्या कुछ कहा जा रहा है अधिकारियों की तरफ से? देखिए, भयावह हादसा है और तस्वीरें मैं आपको सीधे दिखा सकता हूं कि ये मलबे का ढेर है, जहां NDRF और SDRF का ऑपरेशन तो खत्म हो गया है लेकिन अभी भी इसमें मवेशी दबे हो सकते हैं। यहां पर जो स्थानीय लोग हैं, नगर निगम की टीम है और जो वैसी पिटन टीम है जो रेस्क्यू ऑपरेशन करती है, वो लोग अब इसमें यहां पर रेस्क्यू करेंगे। आधा मकान मलबे के ढेर में तब्दील हो गया है और आधा अभी भी खड़ा है। इसको ताकीद की गई है कि इस मकान को गिरा दिया जाए, नहीं तो ये किसी के लिए जानलेवा भी हो सकता है। तो ऐसे में हमारे साथ, चूंकि गमगीन माहौल है, हमारे साथ कुछ लोग भी यहाँ मौजूद हैं। ये बताएं क्या उस समय का मंजर था, कैसे हादसा हुआ? बारिश आ जा रही है, नीचे से हिस्सा गिरा फिर ऊपर से गिरता चला गया और 15 जने हैं इसमें, बच्चे समेत और पशु और भैंस इसमें दबे हुए हैं। क्या होता था यहाँ पर, क्या करते थे ये लोग? ये डेयरी थी जी, भैंस दूध निकालते थे। दूध निकालते थे, ये डेयरी थी और चूंकि निचली मंजिल पर मवेशी थे, उसके ऊपर 2 फैमिलीज रहती थी जिसमें 15 लोग थे, कुछ बच्चे थे, बूढ़े थे और कुछ व्यक्ति भी थे। और उस समय 3 लोग तो मौके से बाहर आ गए, जैसे ही मकान गिरा तभी बाहर आ गए, 12 लोग इस मलबे के ढेर में दब गए, जिन्हें एक एक करके निकाला गया। लेकिन एक सवाल ये भी है कि ये मकान जो अचानक से गिर गया, इस मकान में रह रहे लोगों ने आसपास के लोगों को जरूर ये बात बताई होगी, क्योंकि पहले भी इस मकान के हिलने या फिर गिरने जैसी संभावना बनती हुई देखी गई होगी। अचानक से मकान भरभरा के गिर गया, आसपास के लोगों को इस बात की कोई जानकारी है कि मकान कच्चा हो चुका था और तेज बारिश की चपेट में आके कभी भी गिर सकता था, इस पर भी आप स्थानीय लोगों से बातचीत कर सकते हैं? देखिए, ये मकान बेहद कच्चा था क्योंकि 50 से 60 साल पुराना ये मकान था और इसको पहले ही ताकीद की गई थी कि इस मकान से निकल जाया जाए, क्योंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश में भारी बारिश चल रही है इन दिनों और इस बारिश में जो कच्चे मकान है वो अक्सर धस जाते हैं। ये बताया पहले ही इनको पता था कि मकान कच्चा है? मकान कच्चा बनाया हुआ था, नीचे भी कच्चा मकान है, माटी की दीवार है और इन्होंने ऊपर ऐसे ही बना लिया था। क्या इसके पहले कहा गया था कि आप इस मकान से निकल जाओ, कच्चा है, गिर सकता है? इससे पहले किसी ने नहीं कहा और ये अपना पहले ही गिर गया था।
देखिए एकदम से मकान गिर गया और उसके बाद ये पूरा हादसा हो गया जी। निकल 15 लोग उस समय मकान में थे। इस पर एक दुखद अपडेट अपने दर्शकों को हम दे रहे हैं कि अब 10 लोगों की मौत हो गई है। शुक्रिया आपका निखिल, मैं लौटूंगी और जानकारी के लिए आपके पास। फिलहाल आगे बढ़ेंगे, लखनऊ की खबर आपको बता रहे हैं जिसमें इनकम टैक्स ऑफिसर SN श्रीवास्तव पर चाकू से हमला हुआ है। दोस्त के घरेलू नौकर अमित पर चाकू मारने का आरोप है। एक बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, राजधानी लखनऊ से आ रही है बड़ी खबर, जहां पर SS श्रीवास्तव अपने दोस्त रिटायर्ड इनकम टैक्स चीफ कमिश्नर प्रवीण सिन्हा के घर पर गए हुए थे और उस वक्त नौकर अपनी पत्नी की पिटाई कर रहा था। जब SS श्रीवास्तव ने नौकर को रोका तो उसने चाकू मार दिया। ये पूरी खबर विस्तार से बताएंगे हमारे सहयोगी ऋषभ मणि त्रिपाठी जो कि इस समय फोन लाइन पर मौजूद हैं। ऋषभ, ये कब की घटना है, ये कैसे इस घटना में चाकू से अटैक किया गया है, ये पूरी खबर बताइए। देखिए कल देर शाम की ये घटना है और इनकम टैक्स विभाग में प्रशासनिक अफसर SS श्रीवास्तव अपने मित्र और रिटायर्ड इनकम टैक्स के चीफ कमिश्नर प्रवीण सिन्हा के आवास पर गए हुए थे और उसी दौरान घर में ही उनका जो घरेलू नौकर था अमित, वो अपनी पत्नी के साथ मारपीट कर रहा था। SS श्रीवास्तव जब उसको रोकने गए हैं तो उसने SS श्रीवास्तव पर ही घरेलू जो सब्जी काटने वाला चाकू होता है उससे हमला कर दिया। उनके हाथ में, पैर में और कंधे पर चाकू से वार किए और फरार हो गया वहां से। इसकी शिकायत गोमती नगर थाने में की गई, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी अमित को गिरफ्तार कर लिया है और वारदात में जो चाकू इस्तेमाल हुआ था उसको बरामद कर लिया गया है। SS श्रीवास्तव को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां पर उनका इलाज चल रहा है। शुक्रिया आपका ऋषभ मणि त्रिपाठी जानकारी के लिए। और ये बढ़ते हैं आगे, कानपुर की खबर आपको बता रहे हैं जहां पर ट्रेन पलटाने की साजिश से जुड़ी हुई एक बड़ा अपडेट हम आप तक पहुंचा देते हैं, जिसमें कानपुर पुलिस ने अब जांच तेज कर दी है। घटनास्थल के आसपास के मोबाइल नंबरों की जांच की जा रही है। करीब 70,000 मोबाइल नंबर का लेखा जोखा जांच टीम ने जुटाया है। पुलिस को दो संदिग्ध नंबरों की तलाश है। बड़ी खबर लखनऊ एयरपोर्ट से, जहां पर यात्री से कारतूस बरामद किया गया है। चेकिंग के दौरान यात्री के बैग में मिला है कारतूस। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, बहराइच के शोएब के बैग में कारतूस मिला है। पुलिस, खुफिया विभाग और इंटेलिजेंस ब्यूरो कर रहा है इससे पूछताछ। शोएब के पास नहीं है असला लाइसेंस, रियाद जा रहा था यह शख्स आरोपी शोएब। FIR दर्ज करके पुलिस मामले की जांच कर रही है। उधर बांदा से एक बड़ी खबर आ रही है जहां पर BDO सचिव और प्रधान पर केस दर्ज किया गया है। दस्तावेजों में हेराफेरी का यहां पर केस दर्ज किया गया है। पीएम आवास योजना में हेराफेरी का आरोप है। घूस ना देने पर महिला का नाम हटाने का आरोप है। बिजंडा पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। वहीं आपको बताएं कि सीएम योगी आज लखनऊ में कानून व्यवस्था को लेकर बड़ी बैठक करने वाले हैं। इस पर आप जानकारी ले लीजिए कि शाम के 7 बजे 5KD मुख्यमंत्री आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बैठक होने जा रही है। बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक है। बैठक में प्रदेश भर के पुलिस और प्रशासन के अफसर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ेंगे। आगामी त्योहारों के मद्देनजर सीएम योगी तैयारियों का जायजा लेने जा रहे हैं। इस बैठक में सभी ADG, IG, DIG, पुलिस कप्तान शामिल होंगे। कमिश्नर, DM, CDO भी इस बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल होने जा रहे हैं। DPO, DPRO वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ेंगे। इस बैठक के अलावा आपको यह भी जानकारी दे देते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बहराइच के दौरे पर भी आज रहने वाले हैं। दोपहर 3:30 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बहराइच जाने वाले हैं, जहां पर भेड़िए के अटैक से जो लोग घायल हुए हैं उनसे और उनके परिजनों के साथ मुलाकात करेंगे। साथ ही अधिकारियों के साथ बैठक भी करने जा रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बहराइच में भेड़िए के हमले से अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 50 से ज्यादा लोग घायल हैं। अब तक 5 भेड़िए पकड़े जा चुके हैं, कुछ और की तलाश की जा रही है। वह क्षेत्र है जहां भेड़िए का सबसे ज्यादा आतंक रहा है। इसी क्षेत्र में भेड़िए का सबसे ज्यादा आतंक रहा है। महसी क्षेत्र के सैकड़ों मजरे भेड़िए से प्रभावित रहे हैं और इसी क्षेत्र में आएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और
अधिकारियों के साथ वार्तालाप करेंगे और मिशन भेड़िया को लेकर, ऑपरेशन भेड़िया को लेकर समीक्षा बैठक करेंगे। इसी गांव में हेलीपैड भी बनाया गया है। मुख्यमंत्री तकरीबन 3:30 बजे आएंगे और अधिकारियों के साथ, जनप्रतिनिधियों के साथ वार्ता करेंगे। एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आगमन आज उसी क्षेत्र में हो रहा है जहां भेड़िये का खौफ है, भेड़िये का आतंक है, तो दूसरी तरफ वन विभाग भेड़िये को पकड़ने के लिए पूरी ताकत झोंके हुए है। ऑपरेशन भेड़िया को कामयाब करने के लिए वन विभाग पूरी मशक्कत के साथ जुटा हुआ है। जगह जगह ड्रोन्स उड़ाए जा रहे हैं, ड्रोन के जरिए भेड़िये को ट्रैक करने की कोशिश की जा रही है, उसकी लोकेशन तलाशने की कोशिश की जा रही है। अब जबकि महसूस क्षेत्र के कई गांवों के आसपास पानी भर चुका है, ऐसे में माना जा रहा है कि भेड़िया कछार क्षेत्र में न होकर किसी सूखे स्थान की तलाश में है, किसी ऊंचे स्थान की तलाश में है, तो वन विभाग उन ऊंचे स्थानों पर भी ड्रोन उड़ा रहा है, कैमरेज लगा रहा है, पगचिन्ह ट्रेस कर रहा है और तरह तरह के साइंटिफिक तरीके अपनाकर भेड़िये को ट्रैक करने की कोशिश की जा रही है। देखने वाली बात होगी कि आज जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पर आएंगे तो वो क्या कहते हैं और वन विभाग से सवाल किए जाएंगे, मुख्यमंत्री खुद सवाल जवाब करेंगे कि आखिर छठवां भेड़िया लंगड़ा सरदार अब तक पकड़ा क्यों नहीं गया है। देखने वाली बात होगी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब महसी क्षेत्र में, तो देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पहुंचने से पहले तैयारियों के बारे में हमारे सहयोगी बता रहे थे उमेश, जो कि इस समय बहराइच में मौजूद हैं। तो जिन परिवारों को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है, भेड़िये ने एक तरफ खेत बर्बाद करे हैं, वहीं दूसरी तरफ लोगों के बच्चों को मार डाला है, महिलाओं को जख्मी किया है, कुल मिला के 10 लोगों की जो मौत हुई है, 50 लोग जो घायल हुए हैं, आज उनका हालचाल जानने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बहराइच आ रहे हैं। दोपहर 3:30 बजे बहराइच पहुँचेंगे, जिसके लिए तैयारियाँ कर ली गई हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, जिन्होंने मठाधीश वाले बयान पर अब पूरी तरह से संत समुदाय को अपने खिलाफ कर लिया है। साधु संतों में बहुत ज्यादा गुस्सा है, आक्रोश है। वृंदावन के संतों ने अखिलेश यादव के बयान पर नाराजगी जाहिर की है और कहा है कि लोकसभा परिणाम के बाद अखिलेश को अहंकार हो गया है। अखिलेश यादव सुधर जाओ, पहले ही सनातन के खिलाफ अपने स्वामी प्रसाद मौर्य के द्वारा बहुत कुछ करा चुके हैं, लेकिन इस भूल को सुधार लो। इसको ये ना समझो कि कुछ सीटें अगर उत्तर प्रदेश में बढ़ गई हैं तो गुरूर आ जाए। गुरूर इतना ना हो जो रावण की तरह विध्वंस हो जाए। इसलिए समय रहते सनातन धर्म और साधु संतों के खिलाफ टिप्पणी करना बंद कर दो। तो अखिलेश यादव, स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और आइए अब आपको बताते हैं कि मशहूर होने के लिए लोग इंसानियत को तार तार करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। ये ताजा मामला कासगंज का है। शहर के सबसे व्यस्त चौराहे पर मशहूर होने के लिए मरने की नौटंकी की गई। ट्रैफिक पुलिस की मौजूदगी वाले शहर के राजकोल्ड चौराहे पर स्टॉपर लगाकर रील बनाई गई है। बीच चौराहे पर ट्रैफिक डाइवर्ट करके पुलिस के सामने रील शूट की गई है। बीच चौराहे पर ड्रामा होता रहा, यातायात पुलिस मूक दर्शक बन गया। युवक के मरने का ये ड्रामा, इसका वीडियो बनाया गया सोशल मीडिया पर, ये वीडियो हो गया वायरल। अब वीडियो वायरल होने के बाद लोग पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रहे हैं। ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं, देखिए। एक तरफ तो चौराहे पर रील शूट की जा रही है जहां पर इस शख्स के साथी भी खड़े हुए हैं, और दूसरी तस्वीर जो आपके सामने है, जब नौटंकी पूरी हो गई तो मुर्दा जाग गया, इस तरह की एक्टिंग की गई है। और पीछे आप देखेंगे स्टॉपर लगाया गया है, कासगंज पुलिस का लगाया गया है, इसलिए अब कासगंज पुलिस के ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं। अगली खबर कन्नौज से है, जहां पर प्राकृतिक आपदा प्रभावित गांव के दौरे पर निकले हैं मंत्री असीम अरुण, जिन्होंने प्रशासनिक अफसर और लेखपाल को जमकर फटकार लगाई। लापरवाही पर अफसरों को फटकार लगाने का उनका वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। सुनिए क्या कुछ कहा। उस तारीख में क्यों नहीं आए? 24 घंटे नहीं हुए सर, सुबह 8 बजे। आप अगली तारीख में आए? उस तारीख में क्यों नहीं आए? इन्फॉर्मेशन आपको कोई देगा? आपको इन्फॉर्मेशन देना है। प्राकृतिक आपदा की जिम्मेदारी
हैंडल करने की आपकी है, चले भी तुम्हारी सब दिखाओगे मुरैया में तो फिर क्यों फालतू वाली बात? चलो सही सही बताओ, गलती कर रहे हो फिर झूठ बोल के उसको कवर करने की कोशिश कर रहे हो ना? ठीक सर, सर आपका क्या कंट्रोल है अपने लेखपाल के ऊपर जो क्षेत्र में रहते नहीं है? प्राकृतिक आपदा होती है, आप लोग 24 घंटे बाद आते हैं, 24 घंटे बाद आ रहे हैं तो फिर निरीक्षण नहीं कर रहे हैं। पहली बात तो देखो मानवीय संवेदनशीलता रखो, ठीक? आप राजा नहीं है, हम प्रजा नहीं है, आप क्यों एक सेवा दी गई है आप वो हमको सेवा दीजिए, आप मालिक नहीं है, बात समझिएगा, आप एक प्रशासनिक सेवा में है, अपनी प्रशासनिक सेवाएं हमको दीजिए, ये आपका काम है।